ये अपना पहला क्वेश्चन है 3.27 में। 3.27 ओपन करो। यस ओपन हो गया। ये बताओ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट ऑन नंबर ऑफ ईयर इनटू परचेज ईयर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो क्वेश्चन नंबर वन देखो। क्वेश्चन नंबर वन में, क्वेश्चन नंबर वन क्या लिखा हुआ है? गुडविल इज द वैल्यूड 3 ईयर परचेज, लिखा है साफ साफ। यानी परचेज ईयर परचेज, यस 3 ईयर है। ना, परचेज कितना है? 3 ईयर। परचेज ईयर कितने दिए हैं? 3 ईयर। और दूसरा क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है हाँ। कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ? कितने ईयर का प्रॉफिट दिया चार हुआ है? साल का, तो बस फॉर्मूला चार लगा साल दो, का फॉर्मूला लगा दो। गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया। हाँ। अब कितना प्रॉफिट है? पहला 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, करेक्ट? हाँ करेक्ट। व्हेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हुए? कितने ईयर का प्रॉफिट फोर दिया? 4। वेरी गुड। और इनटू परचेज ईयर, परचेज ईयर कितना है? 3। परचेज है 3। गुड। अब इन सबको ऐड कर दो, 60 ईयर हुआ एंड डिवाइडेड बाय 4। क्या आएगा रिजल्ट? 15। 4 से डिवाइड करोगे तो 15,000 × 3, यानी गुडविल कितनी हो गई? 45,000 इज योर गुडविल। गुडविल यस या नो? यस। अब अगला वाला देखो, अगला प्रॉफिट वाला फॉर द पढ़ो, 5 ईयर्स इन पढ़ो अगला। प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च आर एस फॉलोज। 5 साल का प्रॉफिट दिया है। 5 साल का प्रॉफिट और 4 ईयर्स का परचेज। हाँ, तो 5 से डिवाइड कर देंगे टोटल करके। यस यू नो? हाँ होगा। इसको मैं वो घर में करूंगी। हाँ हाँ, होमवर्क। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है ना आपका, हो गया ये हाँ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जल्दी जल्दी, फटाफट देख डालो ये 5-6 नंबर तक, जल्दी जल्दी देखो। कहीं कहीं से कोई कंफ्यूजन वाला कुछ पार्ट दिखता है तो मुझे बताओ। फोर्थ वाले में थोड़ा बताइए। फोर्थ वाले में थोड़ा सा डाउट आ रहा है। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है? अनु बॉबी एंड चेतन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दे टेक डीप इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर विच इज हायर। ना ध्यान देना क्या बोल रहे हैं कि आपको निकालना है 3 साल का एवरेज या 4 साल के एवरेज, जो ज्यादा होगा वही गुडविल होगी। आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। पहले 3 साल का जोड़ो, तो 2022, 21 और 20 पिछले 3 साल और पिछले 4 साल, मतलब हम 19 को भी जोड़ लेंगे, तो 2,88,000 प्लस
188,000, तो 81,800 प्लस 187,200 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज निकल आएगा। यस, ऐसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, ठीक है। यस, तो 4 ईयर का जब करना होगा तो हम क्या करेंगे, जब हमें 4 ईयर का करना होगा तो इसमें 1 ईयर और जोड़ देंगे प्लस 253,200 डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट। हाँ, इनको प्लस करके डिवाइडेड डिवाइड करो, चलो जल्दी से। कैलकुलेटर, वेयर इज माय मोबाइल, पहला है 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200, करेक्ट। यस, तो टोटल हो गया 6,57,000 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूँ तो आया 2,19,000, ठीक है। हाँ, ऐसे ही दूसरे का करते हैं अपन, कितना है 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200, ये हो गया टोटल हुआ 9,10,200 डिवाइडेड बाय 4। टू लैख 27,550। व्हाट इज द गुडविल, दिस 2,27,000 है ना, विच वन इज हायर, हायर, यस, जो ज्यादा है तो वो निकाल दिया, करेक्ट। करेक्ट। अब अगला निकालो, अगला वाला पढ़ो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स और सोल्ड ऑन द विंडो द सेकंड थर्ड। घुमा रहा है ना, गोल गोल घुमा रहा है ये। हाँ, इसमें तो भाई चलो कैलकुलेट द, क्या लिखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफ 1.5 ईयर परचेज, यानी परचेज ईयर कितना है, 1.5, 1.5, करेक्ट। यस, 1.5 मतलब 1.5 हुआ ना, यस यस यस, और प्रॉफिट क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से दिमाग लगाना, एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, प्रॉफिट कितने साल का लेना है, 3 इयर्स का। अब देखो दिमाग लगाओ, द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज 1,00,000, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 1,00,000, अभी मैं इतना कर दूंगा ना फटाक से तुम लगा लो। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट के लिए क्या लिखा है, सेकेंड ईयर प्रॉफिट वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी 2 गुना है किससे, फर्स्ट ईयर से, यानी 2,00,000 रुपए, पल्ले बड़ी बात। हाँ, अगला क्या बोल रहा है, थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 times ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, यानी 1.5 यानी 1.5 times ऑफ सेकेंड ईयर, बात पल्ले पड़ी कि नहीं। सेकेंड ईयर जो प्रॉफिट हुआ है उसका 1.5 गुना, 1.5 times, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक।
अब गुडविल कैसे निकलेगी? याद है ना फॉर्मूला, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, परचेज भी 1.5 और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 साल है, करेक्ट? करेक्ट। तो कितना हुआ टोटल? 6 लाख हुआ हाँ इनटू 1.5 डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा फाइनल हिसाब? 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो आ गया 3 लाख रुपए तुम्हारे गुडविल निकल आया। हाँ चलो 6 वाला देखो जल्दी से, बताओ अटकोगी कि बन जाएगा। ये तो वो 4 नंबर के जैसे है, लेकिन 4 नंबर में केवल वैल्यू निकाली थी, टोटल किया था है ना, एवरेज निकाला था 4 में, लेकिन इसमें जो भी आएगा उसमें पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा है 4 टाइम लिखा है ना, उसमें 4 ईयर दिया हुआ है परचेज। देखो ध्यान से थर्ड लाइन के पहला 2 वर्ड, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड फॉर 4 टाइम ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर। तो एवरेज निकालोगी 4 ईयर का, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगी, एवरेज निकालोगी 5 ईयर का और उसको 5-4 से मल्टीप्लाई करोगी, जो ज्यादा होगा वो गुडविल होगी, बनेगा? यस ट्राई करूंगी। ट्राई करूंगी, चलो ट्राई करना। अब मेरी बात, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ, ठीक है ना? यस ये थोड़ा तुमको क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड, ये थोड़ा सा घुमाया है। इसमें क्या होगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रॉफिट में आपने जोड़ने घटाने से आप भूल गए हो, यू नीड टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट और उसके बाद फिर गुडविल निकलेगी एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना? यानी अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था कि प्रॉफिट सीधा सीधा दिया होता था, लेकिन अब जो है वो प्रॉफिट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, चलो पढ़ो क्वेश्चन। अश्विन एंड श्रेयस वाज पार्टनर ऑफ सॉरी, बोला ना 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर बोला है, यानी परचेज ईयर कितना है? 5 ईयर है। ध्यान से पढ़ो, 3 ईयर है। हाँ एवरेज ऑफ 5 ईयर है, ठीक है ना? अब आगे क्या लिखा है, 5 साल का प्रॉफिट दिया है, यस दिया है। अब गुडविल निकालनी है तो आपको 5 साल का प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, 1,25,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,87,500 प्लस, देखो अब ये लॉस है तो माइनस हो जाएगा, लॉस जो होता है माइनस हो जाएगा। हाउ डू वी गेट टू नो दैट लॉस है, ब्रैकेट में लिखा है देख लो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में कॉमर्स में अगर कोई वैल्यू ब्रैकेट में लिखी है इट मीन दैट इज नेगेटिव वैल्यू, ओके ध्यान देना। अभी हम ये लिख रहे हैं 5 साल का प्रॉफिट, तो पहले ये निकाल रहे हैं टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना? अब इसमें लफड़ा क्या है, इसमें पंगा क्या हुआ, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग, क्या एडजस्टमेंट बोल रहा है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ 1819, तो 1819 का प्रॉफिट कौन सा है, 1819 का प्रॉफिट कौन सा कहलाएगा, ये दोनों कौन वाला, 2018 वाला कि 19 वाला कि 20 वाला, 18-19 वाला, तो 18-19 कौन सा कहलाएगा, भाई देखो मेरी बात, हाँ मैं ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ, ये 2018 लिखा हुआ है इसमें, ओके 2019 लिखा हुआ है, यस 2020 लिखा है,
2021 लिखा है और फिर 2022 लिखा। अब इसमें तुम्हारा कौन सा प्रॉफिट 2018-19 कहलाएगा? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अपने कॉमर्स में अकाउंटिंग कब से शुरू होती है और कब खत्म होती है? 1 अप्रैल से शुरू होती है और मार्च में खत्म होती है, करेक्ट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 2018 में जब खत्म हुआ है तो कब खत्म हुआ होगा? 31 मार्च को। मार्च तो ये शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2017 को, करेक्ट? यस या नो? यस। थोड़ा ऐसे लिखू मत, ठीक है ना? ये वाला ईयर का हिसाब ऐसे चला होगा। 2019 वाला कब से कब तक चलेगा? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। अब बताओ मुझे, पकड़ में आया? कौन सा वाला प्रॉफिट तुम्हारा 18-19 का प्रॉफिट, पहला वाला कि दूसरा वाला? भाई बोल रहा प्रॉफिट ऑफ द ईयर 18-19, तो 18-19 का प्रॉफिट ये वाला कहलाएगा कि ये वाला कहलाएगा? क्योंकि इसमें लिखा है 2018, इसमें लिखा था 2019, इसमें लिखा था 2020, इसमें लिखा था 2021 और इसमें लिखा था 2022। अब बताओ तुम्हारा 1,25,000 18-19 है कि 1,18,19 है? ये लोग तो हो ही नहीं सकते। कौन सा प्रॉफिट 18-19 का कहलाएगा? 1 लाख है, 1 लाख ना? यस, क्योंकि देखो ये 18 से शुरू हो रहा है, 19 में खत्म हो रहा है। ये तो 17-18 हो गया ना। हमारा 18-19 वाला प्रॉफिट जो है वो कौन सा है? 1 लाख। 1 लाख। अब इसमें लोचा क्या हुआ है 18-19 वाले प्रॉफिट में, ये समझो लोचा क्या हुआ है? इन द ईयर 2018 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ द लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। मतलब जो तुमने 18-19 का जो प्रॉफिट ले लिया है उसमें तुमने एबनॉर्मल लॉस जो है वो लिख दिया है। क्या लिख दिया है? एबनॉर्मल लॉस। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी हम पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं तो जो चीजें हमने घटा दी होती हैं उनको जोड़ देते हैं और जो चीजें जोड़ दी हैं उनको हम घटा देते हैं। नोट कर लो, जब भी हम पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे तो जो चीजें लॉस यानी घाटा नुकसान हमने घटाया होगा उसको जोड़ देंगे और जो जोड़ी होंगी वो घटा देंगे। याद है पास एडजस्टमेंट पढ़ाया था मैंने, उसमें हम ड्रॉइंग घटाते थे जोड़ देते थे। ओपनिंग कैपिटल निकालने में क्या करते थे? ओपनिंग कैपिटल निकालने में क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग, करेक्ट? यस। पास एडजस्टमेंट, अब यहाँ पे हम पास एडजस्टमेंट में जो कर रहे थे कि भाई जो चीज हम करना भूल गए वो हम कर दें, तो यहाँ गलती आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। 25,000 तुमने कहाँ लिख दिया है? एबनॉर्मल लॉस का तुमने क्या कर दिया है? गलती से घटा दिया है, या आपने एबनॉर्मल लॉस लिख दिया है, जबकि एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखा जाता। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में लिखा जाता है। तुमको उसको प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं घटाना चाहिए था, आप उस एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दोगे यहाँ पे? जो आपने घटा दिया है उसको आप क्या कर दो? वापस प्लस कर दो। अब ये जो प्रॉफिट होगा दिस इज योर टोटल प्रॉफिट, यस या नो? यस, गॉट इट। अब इन सब का टोटल करो, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगी? गुडविल निकालने के लिए पूरा प्रॉफिट जोड़ोगी
और इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है 3 और नंबर ऑफ ईयर कितना है 5, निकल आएगा गुडविल। हाँ हाँ तो अब ये आप निकाल लेना, ओके ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सर 2 मिनट रुकिएगा। यस सर। पढ़ो अगला क्वेश्चन, रीड नेक्स्ट वन। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ द 3 ईयर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट। तो परचेज ईयर कितना है 2 ईयर। अब आपको जो प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 ईयर वॉज, तो पहले तो हम प्रॉफिट को सेटल कर लें क्योंकि एडजस्टमेंट है ना, फर्स्ट ईयर पहले साल का प्रॉफिट का हिसाब बनाओ। क्या लिखा है, प्रॉफिट हुआ कितना 30,000, चलेगा चलेगा। आगे बढ़ो। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मैंने क्या बोला था, लॉस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितने का लॉस हुआ 40,000। 40,000 जोड़ दिया तो हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना हो गया 3,40,000 70,000, करेक्ट। करेक्ट। तो सेकेंड ईयर में आ जाओ, लॉस है 80,000। 80,000 का लॉस है, तो अपन क्या ब्रैकेट में लिखते हैं ना। हाँ, अब आगे कहानी पढ़ो। इंक्लूडिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन 1,10,000। अब तुमने 1,10,000 रुपए क्या किया है, एक आदमी ने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया, मतलब वो नौकरी छोड़ के चला गया, तो तुमने उसको 1,10,000 रुपए दे दिया, यानी तुम्हारे लिए एक तरीके से घाटा हो गया। 1,10,000 रुपए तुमने उसको फ्री में दे दिए, मतलब उसको वो बोला कि यार देखो मैं आगे भविष्य में काम नहीं कर सकता हूँ, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, तो मेरा फंड मेरे को दे दो। तो तुमने उसको 1,10,000 रुपए दे दिए, तो वो जो लॉस हुआ हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना। हाँ, लॉस प्लस करते हैं। तो प्लस 1,10,000, अब यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, बोल बेटा कितनी वैल्यू आएगी। ये 1,10,000 माइनस 8,000 करेंगे ना। हाँ, -80,000 हाँ, क्या आएगा, अभी रुक जाए रुक जाए, मैं थोड़ी लिख लूं। हाँ लिखो, मैं ना बोलूंगा क्योंकि तुमको एग्जाम देना है। कितना आया बिटिया, 30,000। क्या है इतना सोचते कि गलत हो जाएगा। चलो आगे बोलो, अगला प्रॉफिट है 1,10,000। अब उसमें क्या लफड़ा हुआ, इंक्लूडिंग अगेन या प्रॉफिट ऑफ 30,000 फॉर द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो प्रॉफिट होता है वो क्या कर देंगे, माइनस कितना बचा, 80,000। अब इसके बाद गुडविल निकालते बनेगी। हाँ, अब इन तीनों को प्लस कर देंगे हाँ फिर। बोलो बोलो बोलो, इन अरे सर, तीनों को इसमें तो अभी एक चीज वो नहीं दी ना। क्या नहीं दिया, तीनों को 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर का मतलब है कितने ईयर का प्रॉफिट किया उतना ही नंबर आएगा। नंबर ऑफ ईयर का मतलब क्या है, जितने साल का प्रॉफिट है उतने से डिवाइड कर दो, 10 साल का प्रॉफिट है तो 10 से डिवाइड कर दो, 50 साल का प्रॉफिट है तो 50 से डिवाइड कर दो। यस यू नो, यस। लेट्स मूव टू द नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ पढ़ो। अभी पहली 2 लाइन में तो परचेज ईयर दिया है क्या, नहीं दिया, फिर प्रॉफिट दिया, तो पहले अपन प्रॉफिट लिख लेते हैं। अरे सर, 2 ईयर ऑफ परचेज दिया तो है लास्ट में। अच्छा बाद में दिया है,
परचेज ईयर टू, अब प्रॉफिट कितना दिया है? लास्ट लाइन तो पढ़े, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1,00,000 रुपए। अब इसमें लफड़ा क्या हुआ है? पढ़ो 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 जल्दी से, बताओ क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? मेरे को नहीं पता। अरे भी कभी सिखाया ना, लॉस होगा तो प्लस, गेन होगा तो माइनस, भूल हाँ गई? तो एबनॉर्मल गेन हो रहा है तो वो होगा ना, माइनस होगा। गेन है तो माइनस, मतलब बताओ, आगे पार्ट पीछे सपाट है ना, आगे पढ़ते जाओ पीछे का भूलते जाओ, ये कौन सी बात हुई? है कि वीडियो बना रहे हैं, कम से कम रिवाइज कर डालेगी। After charging in अब इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस लिखा है तो इसे प्लस कर देंगे, कितना? 25,000। ये कितना हो जाएगा? अब आपके पास तो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर, तुमको एग्जाम में कैलकुलेटर लेके बैठोगी क्या? लगाओ दिमाग, क्या एग्जाम में कैलकुलेटर लेके बैठोगी? नहीं, हाँ तो लगाओ दिमाग, 1,25,000 और 25,000 प्लस करेंगे कितना होगा? पापा ने 1,25,000 रुपया दिया, फिर 25,000 रुपया दिया, तुम्हारे जेब में कितना पैसा हो गया? दस हाँ 10,00,000 हो गया, वाह। पापा मुगरी लेके दौड़ा के मारे है? ऐसे में दुकानदारी करोगी, कॉमर्स लियो? थर्ड ईयर बताओ, 1,12,500 क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग 12,500 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द फंड 14 प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा आपने, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द फॉर्म प्रॉपर्टी नाउ इज बी इंश्योर्ड, अब वो इंश्योरेंस हो गया है। अगर इंश्योरेंस कर दिया तुमने जो पहले तुमने नहीं किया था, तो ये वो पैसा माइनस हो जाएगा, पहले माइनस तुमने नहीं किया था तो अब करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि तो तुमने पैसा पेड कर दिया। क्या लिखा है? नाउ टू बी इंश्योर्ड, मतलब हमने वो पैसा दे दिया। क्या? हाँ भैया, लॉस है ना, किस्त हम देंगे वो नुकसान है, हाँ तो प्लस कर दूं, कितना हो गया? अभी पहले मैं लिख लूं। ये माइनस होगा क्योंकि एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग नहीं है, ने माइनस नहीं किया था, अब माइनस करना है तो 1,00,000 बचेगा। अब इसके बाद गुडविल निकालते बने, एक्सक्लूडिंग मतलब तुम अभी, एक्सक्लूडिंग मतलब घटाया नहीं है, छोड़कर, तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा छोड़ दिया था जो अब तुमने दे दिया है, तो अगर दे दिया है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इंक्लूडिंग होता तो फिर वो प्लस हो जाता, एक्सक्लूडिंग है ना। अब बताओ गुडविल निकालते बनेगी इसके बाद? हाँ हाँ बन जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। फोर ईयर परचेज है, परचेज ईयर, परचेज फोर ईयर है फोर है, आगे क्या लिखा है? फोर ईयर एवरेज परचेज, प्रॉफिट 5,000। 5 साल का प्रॉफिट है ना। हाँ चलो भैया, तो फर्स्ट ईयर में क्या लफड़ा है देखें, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 3,50,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है? 5,00,000, फोर्थ ईयर का कितना है? 7,10,000,
और फिफ्थ ईयर का कितना है? 100 हो गया, 5,90,000। करेक्ट। इसमें हर ईयर में कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है। अब लफड़ा क्या हुआ है, लेट्स सी। आगे लिखा है, पढ़ो। On 1st April 2021, a car for rupees 1 lakh was purchased for debit. 1 लाख रुपए की तुमने कार खरीदी, कब खरीदी है? 2021 में 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2021 कब, कौन सा ईयर कहलाएगा? इसमें ईयर लिखे हुए तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2018 ईयर लिख दूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। 2019, 2020, 2021, 2022। चलो बताओ, तुमने कार क्या कब बताना खरीदी है? है? तुमने कार कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2021 को। हाँ, 1 अप्रैल 2021 किस में चालू होगा, किस ईयर में स्टार्ट हुआ होगा? भाई मेरी ये 18 में, 18 2018 लिखा है, यानी 31 मार्च 2018 को खत्म हो गया होगा ये, हाँ या ना? हाँ 17 से स्टार्ट होगा, तब जाके 18 में खत्म हुआ। 18 मार्च के 18 में खत्म हो जाएगा। इसमें 1 अप्रैल 18 आएगा, है ना, 1 अप्रैल 21 नहीं आएगा। तो 1 अप्रैल 21 कहाँ चालू होगा? दे बताती, हाँ बताओ बताओ बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। 1 अप्रैल 21 कहाँ कहाँ चालू, किस ईयर में चालू होगा? अरे मैं गोला मारो मतलब बदमाशी करूं, ड्राइविंग बोले तो क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। अब बता रही थी तुम कि बेटा ये पहला जो एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, ऑन 1st अप्रैल 2021 अ कार फॉर 1 लाख वॉज परचेज, 1 लाख रुपए की कार खरीदी गई। 2000 कब खरीदी गई? 21 में। 21 में। तो जब 21 किस ईयर में फंसेगा बताओ, 1 अप्रैल 2021 कब फंसेगा? मतलब एंड होगा कि स्टार्ट? अरे 1 अप्रैल मतलब स्टार्ट। अरे मतलब मेरा मतलब था, अच्छा 17 से 18। क्या 1 अप्रैल 2021 चालू होगा तो 2022 में खत्म होगा कि नहीं होगा? अगर 1 अप्रैल 2021 से चालू, हाँ तो 1 अप्रैल 2021 को चालू होगा तो एंड कब होगा उसका? 1 अप्रैल 2022, 31 22। 31 मार्च 2022 को खत्म होगा ना, हाँ यानी वो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? 2022। तो तुम्हारा क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2021 को 1 लाख रुपए की एक कार खरीदी, ठीक है ना, 1 लाख रुपए क्या खरीदी, कार कार वॉज परचेज, तुमने कार खरीदी 1 लाख रुपए की, तो जो कार का खर्चा हुआ वो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिख दिया, तो वो लॉस हुआ तो उसको क्या कर दोगी, प्लस 1 लाख रुपए, ठीक 21 में। फिर आगे क्या लिखा है, एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, तुमने गलती से उसको कहां लिख दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में जोड़ दिया था 2021 वाले में, तो 2021 में ट्रेवलिंग एक्सपेंस, भाई कार का खर्चा, मेरी बात सुनो, कार का खर्चा क्या प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं कि बैलेंस शीट में लिखते हैं कार? अगर हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे
तो हमारी एसेट्स बढ़ेगी ना, वो हमारा लॉस थोड़ी है। हाँ तुमने कार खरीदी 1 लाख रुपए की 2021, 1 अप्रैल 2021 को, तो 1 अप्रैल 2021 यहां से चालू होगा कि नहीं होगा? दो हजार इक्कीस और इसकी एंडिंग होगी 31 मार्च 2022 को, करेक्ट? तो तुमने कार खरीदी थी 1 लाख रुपए की और उसको तुमने जोड़ किसमें दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से घटा दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस से घटाना थोड़ी है, कार के खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया जाता, इसलिए उसको वापस जोड़ देंगे 1 लाख रुपए। ये छोटी सी बात, कौन से अच्छी बात मेथड, हाँ बोलो। ये कौन से मेथड के साथ आप 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2020? बेटा 2022 में कोई ईयर अगर एंड हो रहा है तो वो शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ होगा, तब तो 22 में खत्म हो रहा है। ऐसे ही सारे क्या ईयर पता, चाल ऐसे ही तो सारे क्या ईयर पता? चालू होंगे। जस्ट अ अरे मिनट नहीं, जस्ट, मैं ये हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? 31 मार्च भी तो खत्म हो सकता है 2022 में। 31 मार्च 2022 में खत्म हो गया, तो कार तुमने खरीदी 1 अप्रैल 2021 को, तो वो ईयर किसमें इंक्लूड होगा? इसमें आएगा ना, क्योंकि ये तो 31 मार्च को खत्म हो गया होगा 2021 में, और 1 अप्रैल 31 मार्च के बाद आता है। एक अप्रैल बाद में आएगा तो वो अगले साल में चला गया ना। यस और इस साल तुमने 1 लाख रुपए की कार खरीदी और तुमने उसको खर्चे की तरह प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, तो क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है? नहीं है, तो वापस उस खर्चे को प्लस कर देंगे। मैंने बताया ना, लॉस को प्लस कर देंगे। एक यस लाख रुपए की कार तुमने किस तरह से शो कर दी है अकाउंट बुक में? ट्रेवलिंग एक्सपेंस के रूप में तुमने कार को दिखा दिया, तो प्रॉफिट कम हो गया, तो वापस उस प्रॉफिट को बढ़ाओ, 1 लाख रुपए प्लस करो। अब आगे देखो, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज 25%, कितना डेप्रिसिएशन है? डेप्रिसिएशन 25%। तो 1 लाख का 25% डेप्रिसिएशन कितना होता है बताओ? 1 लाख का 25% बोलो जल्दी से। डेप्रिसिएशन तो कितना वेट होगा? वो तो 25,000 होगा ना, 1 लाख का 25% होता है 25,000, जो कि तुमको चार्ज नहीं किया है तुमने, तो चार्ज करो। 1 लाख का 25% यानी 25,000 रुपए, ये तुमको घटाना था जो तुमने नहीं घटाया, इसलिए घटाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन घटाना चाहिए था ना, कि पूरी की पूरी कार घटा दो। तुमने पूरी की पूरी कार माइनस कर दी थी प्रॉफिट एंड लॉस से, और करना क्या था? सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करना था। डेप्रिसिएशन याद है, पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखते थे अपन, यस आपको वो माइनस करना चाहिए था। पूरी की पूरी कार थोड़ी माइनस कर दोगे प्रॉफिट से, हाँ राइट। तो कार जो माइनस कर दी उसको जोड़ दो, और जो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है उसको माइनस करो। ये समझ में आया? अब इसके आगे एक और लपड़ा हुआ, देखो ध्यान से। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और 2022, यानी 2021 में भी और 2022 में भी तुमने इनकम की तरह इसको प्लस कर दिया 10,000 को। तो जब इनकम कम, क्या कर देंगे वापस? माइनस माइनस, तो यहां भी 10,000 माइनस हो गया और यहां भी, दोनों जगह क्यों हुआ? जो दोनों जगह क्यों हुआ, क्योंकि क्योंकि लिखा है ना कि 21 में भी और 22 में भी लिखा है, तो यस दोनों जगह से। अब इसके बाद बताओ, 3 5 साल का प्रॉफिट निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? हाँ सर, इस तरह क्वेश्चन कहाँ आते हैं?
हैं, चेक कर लेना आया नहीं है, लेकिन 11 तक तुम लोग 10 तक लगा लेना, एवरेज प्रॉफिट का आता है, पर ये कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं आता, पर एक बार इतना यहां तक तो लगा सकते हैं 10 क्वेश्चन तक, 11 12 छोड़ देना, ओके ठीक है ना? क्योंकि ये जो चैप्टर है गुडविल वाला नेचर, गुडविल वाला और चेंज इन टीएसआर, इन दोनों को मिला के 4 मार्क्स का आता है, 4 से 5 मार्क्स का। हाँ, तो इसीलिए तो जो 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 आ सकता है उतना मैं बता दे रहा हूँ हल्का, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले में नहीं जाएंगे। जैसे वेटेज एवरेज प्रॉफिट का 2 क्वेश्चन है, दोनों में बता दूंगा तुमको, पहले यहां तक लगा डालो और यहां तक के एग्जाम्पल जो मिले वो लगा डालो, ठीक ओके है ना? 3 दिन में ये चैप्टर हाँ खत्म हो जाएगा, आज पहला दिन हो गया, अगले 2 दिन में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आज से अपन ने चालू जो किया है वो गुडविल वैल्यूएशन चालू किया है, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको आगे और भी सही तरीके से और भी अच्छी चीजें आपके लिए सॉल्व। टेक केयर, गुड लक, और ध्यान दीजिएगा कि जुलाई में आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 11th की भी और 12th की भी, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है, जो भी आपके दोस्त हैं, सबको चैनल सब्सक्राइब करवाएं।